टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और न्यूज जज्बा से सटे यूपी के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाले सामूहिक आत्महत्या कांड में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में हुई सामूहिक आत्महत्या की इस घटना में दीवार पर लिखे सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी मौत का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि अपने खुद के सगे साड़ू को ठहराया है। बताया जा रहा है कि परिवार के मुखिया गुलशन वासुदेव बिजनेसमैन था और मृतक वासुदेव को बिजनेस में 2 करोड़ का नुकसान हुआ था। गुलशन के साड़ू राकेश वर्मा ने उसके साथ धोखाधड़ी की। वहीं मृतकों के अपार्टमेंट की दीवार पर लिखे सुसाइड नोट में भी राकेश वर्मा को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही अपार्टमेंट से पुलिस को कुछ बाउंस चेक भी बरामद हुए हैं। गाजियाबाद एसएसपी सुधीर कुमार की ओर से दावा किया गया कि दीवार पर लिखे सुसाइड नोट के मुताबिक यह आत्महत्या का मामला है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 3 लोगों ने ऊपर से कूदकर अपना सुसाइड किया, 2 बच्चे कमरे में मृत पाए गए, जो उसके जो जिनकी हत्या की गई उनके जो माँ बाप द्वारा। तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो बात अभी तक सामने आई है वो जो इनका जो मृतक गुलशन है उनका सगा साड़ू राकेश वर्मा है और राकेश वर्मा ने इनका पैसा करीब 2 करोड़ रुपए बिजनेस में लगवाया था वो इनका वापस नहीं किया। जो चेक दिए वो भी बाउंस हो गए, जो प्रॉपर्टी ने देने का वायदा किया वो भी नहीं दी, दूसरों को भेज दी। तो इस तरह इनके साथ पूरी तरह चीटिंग की और उसमें उनका मुकदमा दर्ज हुआ, वो जेल भी गए। इसके अतिरिक्त जो पैसा था वो ना वापसी होने कारण और जो पूंजी है वो डूब जाने कारण और इसके अतिरिक्त जो देनदारी थी मार्केट की वो पूरी ना कर पाने कारण मानसिक दबाव में इन्होंने ये कदम ऐसा उठाया, ये प्रथम दृष्टि प्रतीत होता है। बताया जा रहा है कि मृतक गुलशन को व्यापार में काफी घाटा हुआ था और मृतक पर बैंक का भी काफी कर्ज था जिसे गुलशन चुका नहीं पा रहा था। फिलहाल मामले की पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया गया कि घर के मुखिया ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर अपने बेटे और बेटी का गला दबाया और फिर जब वह लोग बदहवास हो गए तो उनका गला रेत कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, इसके बाद इन लोगों ने घर के पालतू तोते की भी हत्या कर डाली, जिसके बाद गुलशन और उसकी दोनों पत्नियों ने अपार्टमेंट से छलांग लगा दी। जानकारी के अनुसार मृतक परिवार दिल्ली के झिलमिल इलाके का रहने वाला था। गुलशन वासुदेव का जींस का बिजनेस था। करीब 1.5 महीने पहले यह परिवार गाजियाबाद के इंद्रपुरम में रहने आया था। शुरुआती जांच में पुलिस को अपार्टमेंट से कुछ बाउंस चेक बरामद हुए हैं, जबकि पुलिस इस सामूहिक आत्महत्या कांड के हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का।